हैशटैग राम मंदिर फिर से ट्रेंड कर रहा है और इसका कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री 5 अगस्त को इसके भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। इसके साथ ही एज एक्सपेक्टेड ऐसे माइंड ब्लोइंग बयान आना भी शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ऐसे बयान सिर्फ राम मंदिर के लिए दिए जाते हैं इंडिया में, तो आप गलत हैं। सोमनाथ मंदिर के बारे में हम सब ये तो जानते हैं दैट इट वॉज रेज्ड बाय इस्लामिक इन्वेडर्स अ टोटल ऑफ 17 टाइम्स, पर क्या आप ये जानते हैं कि आज़ादी के बाद भी इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए हिंदू कम्युनिटी को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके कंस्ट्रक्शन से कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस मंदिर का बनना हिंदू रिवाइवलिज्म को सिग्निफाई करता था, जो अपेरेंटली एक अच्छी बात नहीं थी। इसलिए जब हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट किया गया, तो पंडित नेहरू ने बाकायदा उनको एक चिट्ठी लिखी ये कहते हुए कि एक सेक्युलर देश के राष्ट्रपति को ऐसी सेरेमनीज में जाना शोभा नहीं देता। लकीली हमारे प्रेसिडेंट फिर भी वहां गए और उन्होंने वहां एक बहुत अमेजिंग स्पीच भी दी, जिसका सारांश बेसिकली ये था कि चाहे हमारे कल्चर के फिजिकल मैनिफेस्टेशन, मंदिर, स्तंभ वगैरह क्यों ना डिस्ट्रॉय कर दिए जाए, लेकिन हमारा जो लगाव और जुड़ाव है अपना हमारे कल्चर के लिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और जब तक ये है तब तक हमारी सिविलाइजेशन थ्राइव करेगी, फ्लरिश करेगी। बट कहा यह जाता है कि इस स्पीच को भी पंडित नेहरू द्वारा ऑल इंडिया रेडियो से ब्लैकआउट कर दिया गया था। जस्ट इमेजिन ब्लैकिंग आउट द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बिकॉज वो आपकी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठी। एंड दिस इज नॉट वेयर इट एंड्स। The funny part is that this is the same Pandit Nehru who is credited with starting the trend of lavish iftar parties when he was the Prime Minister. ये कौन सी डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की, जिसमें एक मंदिर का बनना तो फिट नहीं बैठता लेकिन रमजान की इफ्तार पार्टी जरूर फिट बैठती है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू नो।